इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच जो कि खेला जाएगा वाइजेक में दोस्तों, और सूर्य कुमार यादव को पहली बार कप्तानी सौंपी गई है। और आप देखने वाली बात होगी कि सूर्य कुमार यादव किस तरह से कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपको बता दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑलरेडी जो है वर्ल्ड कप में जो है फाइनल मुकाबला हो गया, जिसमें दोस्तों भारत को हार का सामना करना पड़ गया था और ऑस्ट्रेलिया टीम दोस्तों भारत को जो है हरा कर जो है छठी बार जो है ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली थी। तो इस बार भारत को जो है हार ये मुकाबले T20 सीरीज जीतना काफी जरूरी है, क्योंकि हार को बुलाना काफी मुश्किल होगा। बट फिर भी दोस्तों ये T20 सीरीज में काफी मजा आएगा और देखने वाली बात होगी किस तरह से भारत जो है हार को बुलाकर कैसे फिर से सामने जो है फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया सामने कैसे खड़ी हो सकती है, वो देखने वाली बात होगी। तो आपको पता तो यह मुकाबला जो खेला जाएगा वो 22 विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और स्टेडियम का नाम दोस्तों डॉक्टर YES राजा रजस खेरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि पहला T20 मैच यही आपको देखने को मिलेगा। इंडियन फैंस आर स्टिल हटिंग फ्रॉम देयर टीम्स 6 विकेट डिफीट, वो तो बात करें दोस्तों तो इंडिया जो है अब जो है तैयारी कर रहा है अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। उसके लिए दोस्तों टीम इंडिया तैयारी कर रहा है अपने टीम को और इस बार दोस्तों जो हार को पिछली हार को बुलाकर अब जो है आने वाले वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए तैयार होना है हम सभी को। और इस कारण से दोस्तों टीम इंडिया जो पूरी तरीके से जो है अपने मैन मैन खिलाड़ियों को जो रेस्ट दे दिया गया है और जो है अपने स्पेशल T20 स्क्वाड्स को जो है वो इस बार जो है खिला रही है और हो सकता है कि उसी से डिसाइड हो जाए कौन कौन से प्लेयर जो है बेस्ट रहेंगे वर्ल्ड कप 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो लिस्ट ऑफ अवर द पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, आखिर इस ग्राउंड में पिच रिपोर्ट क्या कहती है वाइजेक के ग्राउंड में। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इच जीता T20 एस दिस बनी है 2019 में जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें दोस्तों इमरजेंस विक्टोरियस यानी काफी उस मुकाबले में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ही जीत मिली थी। स्पेशल स्कोर द विकेट द पिच इज जनरली गुड फॉर बैटिंग, यहाँ जो है बल्लेबाजी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, यहाँ स्पिनरों को भी मदद मिलती है सेकेंड इनिंग में। कैप्टन हु विन द टॉस टू बी बॉल फर्स्ट, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगा फैसला करेगी। और ड्यू फैक्टर जो है यहाँ थोड़ा बहुत आने का माइंड करता है, यहाँ ड्यू फैक्टर भी आपको देखने को मिल सकता है वाइजेक के ग्राउंड में। सो ये तो बात होगी दोस्तों इस पिच रिपोर्ट्स की, अब लेट्स टॉक अबाउट द हेड टू हेड मुकाबला, आखिर टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया क्या हाल चाल है वो देख लेते हैं हम लोग। सो अभी तक दोस्तों T20 मुकाबलों में दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग 26 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें कि 15 मुकाबला जो है वो इंडिया जीता है और 10 मुकाबले जो वो ऑस्ट्रेलिया जीता है और एक मुकाबला जो वो नो रिजल्ट रहा है। इसमें जो है पल्ला जो है टीम इंडिया का ही पारी लगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की। तो जहाँ तक इंडिया के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड और ईशान किशन दोनों ओपनिंग करेंगे, यशस्वी जायसवाल का कोई चांस नहीं बनता। अगर ईशान किशन नहीं होते या ऋतुराज गायकवाड नहीं होते तो यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराया जा सकता था, पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड और ईशान किशन की मौजूदगी में शायद जो है उनका चांस नहीं बनता। ऋतुराज गायकवाड जो कि एकदम जबरदस्त फॉर्म के साथ गुजर रहे दोस्तों और ये जो है एशियन गेम भारत को स्वर्ण पदक जिताकर आ रहे हैं चाइना से। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उनको कप्तान भी बनाया गया था। तो ऋतुराज गायकवाड ईशान किशन जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उनको दो मुकाबलों में खेला गया था, उस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, तो इन दोनों ओपनिंग करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको हो सकता है शायद चांस है कि यशस्वी जायसवाल को जो है बॉन्ड ऑन खिलाया जाए, या इसके अलावा दोस्तों ये भी चांस बन सकता है कि तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखाई दे, ये भी हो सकता है। ज्यादा चांस दोस्तों की यशस्वी जायसवाल आपको वन डाउन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको दिखेंगे सूर्य कुमार यादव खुद कप्तान, फिर उसके बाद आपको दिखेंगे तिलक वर्मा एज ए ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे कौन तिलक वर्मा, फिर उसके बाद दोस्तों एज ए फिनिशर का रोल निभाएंगे रिंकू सिंह, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दोस्तों और इनका आईपीएल की वो पारी कौन नहीं बोल सकता, तो इसलिए दोस्तों ये टीम में शामिल है। फिर उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल होंगे एज ए ऑलराउंडर, फिर उसके बाद रवि बिश्नोई होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, आवेश खान होंगे, तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 की बात कीजिए तो ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट दोनों ओपनिंग करेंगे। ट्रेविस हेड को कौन नहीं बोल सकता भारत को हराने वाले खिलाड़ी दोस्तों, तो ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट दोनों ओपनिंग करेंगे। वन डाउन आपको स्टीवन स्मिथ देखेंगे, फिर चार नंबर पर आपको देखेंगे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, फिर आपको दोस्तों पांच नंबर पर देखेंगे मैथ्यू बैट कैप्टन और विकेट कीपर दोनों चीज करते हुए दिखाई देंगे आपको कौन मैथ्यू बैट। फिर उसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोनिस देखेंगे, फिर आपको देखेंगे टीम डेविड जो कि आईपीएल में काफी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं टीम डेविड और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं। फिर उसके बाद दोस्तों तनवीर शांगा ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, फिर उसके बाद नेथन एलिस हो गए,
फिर जेसन वैंडरॉफ हो गए, फिर एडम सांपाव थे, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट द दोस्तों, आखिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर लेते जो इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो पहला नाम आता है दोस्तों, ईशान किशन का बल्ला चल सकता है, सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बॉलिंग में बात कीजिए तो अर्शदीप सिंह अच्छा कर सकते हैं, रवि बिश्नोई अच्छा कर सकते हैं, पिच में स्पिनरों को मदद मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा का अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, मैथ्यू बैट अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वर्ल्ड कप से, तो उनको देखा जा सकता है। ट्रेविस हेड भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैच प्रेडिक्शन, ये मुकाबला जीत कौन सकता है, इंडिया जीतेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ओवरऑल रिकॉर्ड्स की अगर T20 में बात की तो पल्ला जो है वो इंडिया का भरी है, बट दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मुकाबला हो गया तो उसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीती है और इंडिया का जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अभी डाउन है, बट फिर भी दोस्तों आई एम गोइंग विद टीम इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है पहला मुकाबला जीत जाएगी वाइजैक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो देखने वाली बात है क्या होता है इस मुकाबले में, आपको क्या लगता है आप जरूर हमें कॉमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ बाय।